हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा, जो कि पहले मैं वीडियो काफ़ी सारा अपलोड किया हुआ है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर पार्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है आप लोग के लिए। तो अभी हम लोग जिस रूम में काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे जो कि वायरिंग चल रहा है हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा साइड का जो कि काम कर रहे हैं। पहले हमने किया था पहला साइड, अभी दूसरा साइड कर रहे हैं, जो कि ये फैमिली क्वार्टर के लिए है। तो मैं आपको इस रूम में आके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो कि वायरिंग, पहले मैंने आपको दिखाया था वायरिंग ऑलरेडी हो चुका है, किस तरह से सब मीटर एटीपी बॉक्स और सब मीटर से कनेक्शन और सर्किट कनेक्शन मॉड्यूलर स्विच बोर्ड ये सब दिखाया था। अभी हम लोग इसी से अपोजिट साइड में देखिए, इस तरफ हम लोग वायरिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरफ वायरिंग कर रहे हैं और ऊपर में देखिए यहाँ पे देखिए, जबकि सर्किट आ चुका है, बाथरूम का सर्किट आ चुका है, गीजर का सर्किट आ चुका है, रूम का भी सर्किट आ चुका है। ठीक है, तो बने रहे, मैं आपको टोटली मैं दिखाऊंगा इसमें डिटेल में। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए एक MCB DB बॉक्स है जो कि ये मेटल का बना हुआ है, विप्रो कंपनी का ये, जो कि आपको इसमें चार MCB और एक आइसोलेटर, यानी कि आपको छः वे का ये MCB DB बॉक्स है, वो भी डबल डोर बॉक्स है। तो इसे हम फिक्स करेंगे, फिटिंग करेंगे, तो आपको वीडियो पे टोटली मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें देखिए स्टिकर के साथ, ब्लैंक प्लेट के साथ एक MCB कनेक्टर भी मिल जाता है, और इसमें देखिए 8 मॉड्यूलर बॉक्स 3 है, और साथ में हमारा जो कि 3 मॉड्यूलर बॉक्स भी है, मॉड्यूलर बॉक्स प्लेट और स्विच बाद में लगाएंगे, और 4 मॉड्यूलर बॉक्स 3 है और 2 मॉड्यूलर का बॉक्स 1 है, और इसमें MCB है जो कि विप्रो कंपनी का 10 एम्पियर का 2 और 20 एम्पियर का 2, आइसोलेटर और सब मीटर, और एक अजंता कंपनी का जो कि हम लोग MCB बॉक्स के लिए एक बॉक्स लाए हैं। अभी देखिए सर्किट का काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, और अभी रूम का ये फर्स्ट रूम है जो कि हम लोग 8 मॉड्यूलर इसमें बॉक्स बिठा रहे हैं, और वायरिंग हम लोग कर दिया, क्योंकि पहले भी मैंने काफ़ी चार पार्ट जो कि चार टाइप का वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो हर एक वीडियो का जो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर पार्ट का जो वायरिंग का डिटेल में आपको बताया था, दिखाया था, ये भी रूम का जो वायरिंग है सेम सिस्टम है। तो मैं आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में वायरिंग पर ज़्यादा नहीं दिखाया, मैं अभी शॉर्टकट में आपको दिखा रहा हूँ, बोर्ड कनेक्शन पे दिखा रहा हूँ, MCB के बारे में दिखा रहा हूँ, सर्किट के बारे में दिखा रहा हूँ। और मैं पहले बताया था सर्किट किस तरह से डाला जाता है, जैसे मान लीजिए ये फ्रिज का लिए एक पॉइंट है, तो इसमें हम लोग एक MCB के थ्रू इसमें सब 2.5 जो कि सर्किट हमने गिरा दिया, तो इसी को आप मान के चलिए कि ये सर्किट है। तो इसमें हर एक अलग अलग सर्किट है जो कि MCB के कंट्रोल से होगा। तो ऊपर यहाँ पर MCB बॉक्स बिठाया जाएगा, और एक होल्डर दिया गया है, ऊपर एक फैन पॉइंट दिया गया है, और इस तरफ जो होल्ड करके हम लोग किचन में देखिए एक 4 मॉड्यूलर का बॉक्स इसमें बैठा दिया, और इसमें एक एग्जॉस्ट फैन का यानी कि चिमनी का पॉइंट भी हमने इसमें एक मॉड्यूलर सॉकेट बैठाएंगे इसमें, जो कि इसका स्विच नीचे होगा, और साथ में एक सॉकेट भी होगा इस तरफ। देखिए यहाँ पे एक 4 मॉड्यूलर का बोर्ड है, तो यहीं पर 2 स्विच और एक सॉकेट होगा। उसके बाद मैं आपको चलूँगा जो कि यह जो किचन के ठीक नज़दीक आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पट्टी लगा हुआ है जो कि ये बाथरूम से थोड़ा डोर में, जो कि आगे वाला डोर में हिस्से में है, यहीं पे एक इन्वर्टर का सॉकेट जो नीचे बैठ जाएगा, और इस तरफ राइट में, मेरे राइट में देखिए यहाँ पे सर्किट खींचा हुआ है ऊपर, तो ये अगला रूम के लिए है जो कि अंदर वाला रूम है, 2 नंबर रूम। तो इसी में हम लोग सर्किट गिरा के फिर इसमें वायरिंग कर दिया। इसमें कंडीशन था जो कि घोड़ा इसमें जो कि अंदर लाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम था, तो घोड़ा पहले से अंदर था, इसी रूम में था, तो हमने सोचा कि इसी रूम का पहले वायरिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर घोड़ा को बाद में निकाल दिया जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें एक होल्डर है, एक ट्यूबलाइट का पॉइंट। अभी इसमें देखिए MCB बॉक्स को हमने मार्किंग, देख रहे हैं आप, पेंसिल से मार्किंग किया, तो इसे हम कटिंग करेंगे ग्राइंडर मशीन से, जो कि मुझे इसके अंदर से वायर सर्किट लाना है, तो इसमें हम लोग कटिंग करेंगे, जो कि इसमें देख रहे हैं आप मार्किंग, और ये साथ में हम लोग का ग्राइंडर मशीन, कटर मशीन है, इससे मार्किंग में हम लोग कटिंग करेंगे, ताकि हम लोग का वायर जो है वो सर्किट जो वायर है इसके अंदर ही आ सके, ना हम लोग नीचे से डालेंगे ना ऊपर से डालेंगे, सीधा MCB बॉक्स से अंदर होके सर्किट अंदर ही रह जाएगा, हम लोग कोई ऊपर से तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इसके जो लेटेस्ट टॉपिक है, मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग वायरिंग किया था, तो इसमें देखिए हमने मार्किंग कर दिया स्क्रू का, जो DB बॉक्स हम लोग जाम करेंगे इसमें फिक्स करेंगे। तो मार्किंग करने के बाद हम लोग इस बोर्ड को, स्विच बोर्ड जो कि अजंता कंपनी का दिखाया था, इसमें देखिए कटिंग कर दिया, होल दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो मैं इसको वापस छोड़ के मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें 4 कोने पे 4 स्क्रू लगाऊंगा और एक होल है,
तो इसी होल पे हम लोग कटिंग करने के बाद फिर ये डबल एमसीबी और सॉरी डबल जो कि केसिंग हमें पट्टी डालना है, जो कि सर्किट वायर काफ़ी ढेर सारा है, एक ही पट्टी में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग दो पट्टी ला दिया। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग स्क्रू से जाम कर दे, इसमें और एक ट्रिक में लगाए, देखिए स्क्रू नुकीला है तो वायर घायल हो सकता है, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इस पीवीसी ग्रिप जो है वॉल में डालने के लिए होता है वही हम लोग इसमें जाम कर दिया, स्क्रू के जैसे बराबर नट बोल्ट जैसा सिस्टम कर दिया इसमें। अभी हम इस बोल्ट को फिक्स करेंगे यहाँ पे, जो कि सर्किट वायर है इसके अंदर से, इस बोल्ट के अंदर से हम लोग डाल देंगे, फिक्स कर देंगे। इस बोल्ट का साइज़ है 8-10 साइज़ का, मैं पहले दिखाया था। अभी देखिए इसमें पीला वाला जो देख रहे हैं, स्क्रू के साथ हम लोग पीवीसी वाशर दे दिया, जो कि मेरे पास ब्रश का वाशर नहीं था, तो इसमें भी डाल से चलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए ये जो 810 जो पीवीसी बोर्ड है इसे हम फिक्स कर लिया, इसी के ऊपर एमसीबी बॉक्स हम लोग सेटअप करेंगे, और इसमें सारे सर्किट वायर है सारे रूम का, जैसे मान लीजिए गीजर का है, इन्वर्टर का है, और फ्रिज के लिए है, किचन रूम के लिए है, और दो बड़े बड़े रूम के लिए है, स्विच बोर्ड के लिए है, तो सारा सर्किट इसमें आ चुका है। तो इसे हम इस तरह से फिक्स कर देंगे, और इसका कनेक्शन मैं दूसरा पार्ट में दिखाऊँगा। तो जानने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन का जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग बोर्ड बैठा दिया 3 मॉड्यूलर, जो कि इन्वर्टर है, इन्वर्टर के लिए, चार्जिंग के लिए, और ये पीला वाला फेज है, और ये न्यूट्रल है देखिए, और एक इसमें से जो कि इन्वर्टर का कनेक्शन हम लोग आउटपुट में दे दिया, और जो स्प्रिंग टाइप का दे दिया, देखिए ये स्प्रिंग टाइप का ये इन्वर्टर का आउटपुट है, ठीक है। इसके अंदर से होते हुए यहाँ पर इन्वर्टर जो कि ड्रॉप हो चुका है, ये गीजर का स्विच है 16 एम्पियर, और इसी डोर के सामने एक बल्ब है, और अंदर के लिए एक बल्ब है लेटरिन बाथरूम के अंदर, और एक एडजस्ट फैन के लिए, तो टोटल इसमें 4 स्विच हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसमें ये 4 मॉड्यूलर का बॉक्स है स्विच बोर्ड। तो इस तरह से हम लोग इसमें फिटिंग करने के बाद फिर मैं आपको कनेक्शन भी समझाते जाऊँगा। और जो दोस्त अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ कमेंट का, ठीक है। ये 16 एम्पियर का देखिए फेस इसमें डाला हुआ है, डायरेक्ट फेस डाला हुआ है, ये दो मार्किंग किया हुआ है, ये आउटपुट है, ठीक है। सीधा गीजर के लिए जो सॉकेट है अंदर, उस सॉकेट में आउटपुट हो रहा है, और यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन का हमने मेन कनेक्शन दोनों पे दे दिया, और दूसरा स्विच देखिए, दो स्विच ये इसमें इन्वर्टर कर दिया, जो कि अंदर एक बाहर एक दो लाइट है होल्डर लाइट। तो ये देखिए इसमें पोर्ट मॉड्यूलर जो कि प्लेट वगैरह हम लोग लगा के फिक्स कर दिया, ये रिचा कंपनी का है, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी लुक बेटर लुक है। मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा, बल्कि आप इसमें एक बार ट्राई कीजिए लगाने के बाद, काफ़ी सॉलिड मतलब ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अभी मैं इतना बताया, अभी देखिए ये जो कि दूसरा रूम का जो मैंने वायरिंग करके आपको बताया था, पहले वायरिंग कर दिया, तो ये स्विच बोर्ड है, देखिए ये फेज है, और ये पीला वाला जो कि एसी फेज है, और ये न्यूट्रल वाला एसी न्यूट्रल है, और साथ में ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये अर्थिन वाला वायर है, ये भी अर्थिन का वायर है जो कि आगे वाला जा रहा है, और पॉइंट का न्यूट्रल ये रहा मेरा हाथ में, और बाकी जो 3 वायर देख रहे हैं ये पॉइंट का है, जो कि एक फैन का है और एक ट्यूबलाइट का और एक होल्डर का, ठीक है। ये 3.3 पीला वाला वायर है, 1 mm साइज़ का ये वायर है, और अभी फ्रिज का सॉकेट हमने लगा दिया, और इस तरफ देखिए किचन के अंदर यहाँ पे एक देखिए सॉकेट और 2 स्विच, यानी कि एक चिमनी के लिए स्विच इस बोर्ड में दे दिया, ये चिमनी का स्विच है, वहाँ पर आगे हम लोग मॉड्यूलर सॉकेट लगा देंगे बाद में, और यहाँ पर एक होल्डर है, इस होल्डर को कनेक्शन करने के बाद, और ये जो कि बोर्ड आप दिखा दे रहा है, ये सब किचन का जो फ्रंट साइड में है, इसी में आपको ऊपर में एक फैन का पॉइंट दिखाया था, उसी के लिए बोर्ड है, और ये फर्स्ट रूम के लिए यहाँ पे पहला जो कि मॉड्यूलर बोर्ड फिटिंग हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है अभी, ये भी 8 मॉड्यूलर साइज़ का बोर्ड है, तो इसमें कनेक्शन हो रहा है। कनेक्शन करने के बाद मैं आपको दूसरा पार्ट में दिखाऊंगा एमसीबी में सर्किट कनेक्शन और मीटर सब मीटर कनेक्शन में दिखाऊंगा, और साथ में 2-way स्विच का कनेक्शन भी दिखाऊंगा। तो इसी वीडियो पे लिंक में डाल दूंगा, जो कि आप देख सकते हैं बाद में, जो कि दूसरा पार्ट का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और हाँ चैनल को बने रहिए।